जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। यह पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस साल ऋषि पंचमी का यह पर्व 20 सितंबर को है। मान्यता के अनुसार यह दिन विशेष रूप से भारत के ऋषियों का सम्मान के लिए समर्पित है। ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। साथ ही ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से भी माफी मिल जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं ऋषि पंचमी व्रत के बारे में सभी जरूरी बातें। ऋषि पंचमी का दिन मुख्य रूप से सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी 2023 का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 से होगी। इस तिथि का समापन 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी की पूजा का मुहूर्त सुबह 11:19 से 1:45 तक है। ऋषि पंचमी व्रत की विधि 20 सितंबर को ऋषि पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर की अच्छी सी सफाई करें। इसके बाद पूजन की सामग्री जैसे धूप, दीप, फल फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित करके एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर सप्त ऋषि की तस्वीर रखें। आप चाहें तो इस दिन अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। सतयुग में वेद विधान जानने वाला सुमित्र नाम का ब्राह्मण अपनी स्त्री जयश्री के साथ रहता था। वे खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमती था, जो पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाला था। समय आने पर संयोग बस दोनों की मृत्यु एक ही साथ हुई। जयश्री को कुतिया का जन्म मिला और उसका पति सुमित्र बैल बना। भाग्यवश दोनों अपने पुत्र सुमती के घर ही रहने लगे। एक बार सुमती ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उसकी स्त्री ने ब्राह्मण भोजन के लिए खीर पकाई, जिसे अनजाने में एक सांप ने जूठा कर दिया। कुतिया इस घटना को देख रही थी। उसने यह सोच कर कि खीर खाने वाले ब्राह्मण मर जाएंगे, स्वयं खीर को छू लिया। इस पर क्रोध में आकर सुमती की स्त्री ने कुतिया को खूब पीटा। उसने फिर सब बर्तनों को स्वच्छ करके दोबारा खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई। जब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई और सारा वृतांत सुनाया। बैल ने दुखी होकर कहा, आज सुमती ने मुंह बांध कर मुझे हल में जोता था और घास तक चरने नहीं दिया। इससे मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। सुमती दोनों की बातें सुन रहा था और उसे मालूम पड़ गया कि कुतिया और बैल हमारे माता पिता हैं। उसने दोनों को पेट भर भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता के पशु योनि में जन्म लेने का कारण और उनके कल्याण का उपाय पूछा। ऋषियों ने उनके उद्धार के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने को कहा।
ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधि पूर्वक श्राद्ध के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फल से उसके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्तऋषियों की पूजा करते हैं। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी सात ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की एक और कहानी। एक समय राजा सीताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाले प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उत्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी प्रतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उसका ब्राह्मण पुत्र का एक पुत्र था। पुत्री दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल सिल्वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्वजन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।